नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ग्वालियर में एक बदमाश ने घर में खतरनाक प्रजाति के रॉटविलर कुत्ते पाल रखे थे। पुलिस जब उसके घर आती थी तो रॉटविलर उसका रास्ता रोक लेते थे। इस बार पुलिस ने आरोपी रौनक बाथम को पकड़ने के लिए नगर निगम के दस्ते को भी साथ में लिया ताकि दरवाजे पर खड़े रॉटविलर को काबू किया जा सके। पुलिस जब आरोपी रौनक बाथम के घर पहुंची तो कुत्तों को आगे कर वो भाग निकला, लेकिन उसके रॉटविलर और एक देसी नस्ल के कुत्ते को पुलिस ने निगम की अमले की मदद से पकड़ लिया। बाद में आरोपी रौनक बाथम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रौनक बाथम ने 30 अप्रैल को अचलेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक अपने साथियों के साथ ट्रैफिक पुलिस जवान पर हमला किया था। इसका मोबाइल पर रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तब से ही पुलिस रौनक के पीछे लगी हुई थी। हालांकि इस मामले में दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन रौनक बाथम फरार था। रौनक बाथम कंपू के गड्ढे वाले मोहल्ले में रहता है। वह सट्टे के कारोबार से भी जुड़ा है और उस पर कई अपराध दर्ज हैं। 30 अप्रैल को उसने बिना नंबर प्लेट की बुलेट मोटरसाइकिल से अपने साथियों के साथ ट्रैफिक पुलिस जवान पर उस समय हमला कर दिया था जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी। यह घटना तेजी से वायरल हुई थी। इसके बाद से ही पुलिस रौनक बाथम के पीछे लगी हुई थी, लेकिन शातिर दिमाग रौनक ने घर पर दरवाजे पर ही रॉटविलर नस्ल के कुत्ते पाल रखे थे। एक रॉटविलर कुत्ता निगम ने जब्त कर लिया है, जबकि दूसरा भाग निकला। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ इस बार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ में कई सारे मामले हैं। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को लेकर इनाम भी घोषित किया हुआ, लगातार फरार चल रहा है। कल ये सूचना थी कि वो अपने घर पे आया हुआ है, तो एक बड़ी टीम की वहाँ रेड की गई। रेड के दौरान ये पाया गया कि जो रॉटविलर ब्रीड के कुत्ते उसने पाले हुए, जिससे कि तलाशी के दौरान रेड के दौरान सक्सेसफुली कार्रवाई ना हो पाए, तो नगर पालिका की टीमें बुलाई गई। क्योंकि इस प्रकार के जो फ्यूरिशियर डॉग्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना भी प्रतिबंधित है, तो नगर पालिका की टीमें उनको जो रॉटविलर डॉग थे उसको कस्टडी में लिया है, उसकी जांच की जा रही है। अगर उल्लंघन पाया जाएगा तो फाइन भी होगा। रेड के दौरान पुलिस जब तक डॉग्स को पकड़ पाती है वो वहाँ से भाग निकला है, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार चेज कर रही हैं, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जी, डॉग नगर पालिका की जाँच कर रही है कि क्या इस प्रकार के जो फ्यूरिशियर डॉग्स हैं उनको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, जो नियम इस संबंध में उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद नगर पालिका जांच करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करेगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।